लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हाल ही में बॉलीवुड की दो एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंधी हैं, जिसमें एक सोनम कपूर है तो वहीं दूसरी नेहा धूपिया है। सोनम की शादी तो बड़े ही धूमधाम से हुई थी, तो वहीं नेहा ने चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ फेरे ले लिए, जिसके बाद इनकी शादी की खबरें उड़ने लगी। सोनम कपूर और नेहा धूपिया की शादी सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। फर्क ये रहा है कि सोनम कपूर को जहां तारीफें और शुभकामनाएं मिल रही थी, तो वहीं नेहा धूपिया को ट्रोल किया जा रहा था। इन सब के बीच चौंकाने वाली खबरें तो ये आ रही है कि इनमें ऐसे एक एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है। अब शादी को हुए सिर्फ अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, लेकिन खुशखबरी सामने आ गई। इतना ही नहीं, इस खुशखबरी को छिपाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। खैर, मामला चाहे जो भी हो, खबरों की माने तो शादी के महज कुछ दिन बाद ही मां बनने की खुशी एक्ट्रेस को जहां एक तरफ गदगद कर रहा है, तो वहीं थोड़ी असहज महसूस कर रही है। शादी के अभी कुछ दिन ही हुए हैं, ऐसे में नेहा के घर खुशखबरी आ गई है। जी हां, नेहा धूपिया मां बनने वाली हैं। हालांकि नेहा ने इसकी जानकारी अभी खुद नहीं दी है, पर नेहा के एक करीबी की माने तो नेहा धूपिया गर्भवती हैं, जिसके बाद से लेकर ये खबर आग की तरह वायरल हो रही है। नेहा के करीबी का कहना है कि नेहा प्रेग्नेंट हैं, जिसकी जानकारी वो बहुत ही जल्द अपने फैंस के साथ साझा करेंगी।